किसान भाइयों, हमको धान की फसल अब लगानी है और धान में बकानी रोग या झंडा रोग नहीं आए, इसके लिए तो आप करेंगे बीज को उपचारित, अच्छी पौध बनाएंगे और साथ ही भूले नहीं, पिछले साल धान में बौने पौधे आ गए थे और इस वीडियो में मैं काफ़ी रेफरेंसेस लाया हूँ, पुराने वीडियो भी जुड़े हैं, किसानों से भी चर्चा की है, आइए देखते हैं। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि धान की सीधी बुआई करेंगे अगर आप, तो उसमें आपको खरपतवारों से मिलेगा छुटकारा। और पिछले साल ये भी देखने में आया था कि जिन्होंने DSR की थी वहाँ पर बौने पौधे या पंजाबी कह दें आप मदरे पौधे बड़े घट आए सी, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले साल बौने पौधे आ गए थे धान की लगभग सभी किस्मों में, वो चाहे सुगंधित बासमती धान हो, चाहे वो मोटे वाला धान हो। तो ये पिछले साल की वीडियो है, इसमें आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर HS जाट, आप प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, और अब आप डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में। तो उनके साथ हमारी काफ़ी चर्चा हुई थी, ये एक बौना पौधा उनके हाथ में है और काफ़ी ज़्यादा नर्सरी के लगाने के बाद उन्होंने इसको हमें दिखाया था। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा प्रयोग किया था संस्थान में ही करनाल में, कि एक ही किस्म का बीज उन्होंने लगाया था कदुआ करके या पाड़े काट के नर्सरी करके और फिर रोपाई की थी। जिस खेत में ये हमको बौना पौधा मिला है और साथ में ही दूसरा खेत था, उसमें उन्होंने धान की थी सीधी बुआई। तो जिसमें पौधों को रोपा गया था उन खेतों में ये बौने पौधे काफ़ी मिले थे और ये 5 से 12% तक पौधों की संख्या आ गई थी। आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में भी एक बौना पौधा है और डॉक्टर जाट के हाथ में भी एक बौना पौधा है और ये PR वैरायटी है, ये मोटे वाले धान की किस्म है जिसमें ये बौने पौधे हमने देखे थे। हालांकि सुगंधित बासमती में भी आया था, ये हाइब्रिड धान में भी आया था। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब ये सही समय आ गया है, किसान सजग रहें, अलर्ट मोड में रहें। अब तक की विभिन्न विश्वविद्यालयों की खोज के मुताबिक ये बौने पौधे जो हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के मुताबिक जब दिखेंगे तो आप उस पर कौन कौन से स्प्रे करेंगे, इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर AK सिंह साहब ने काफ़ी सलाह दी है, मगर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने बताया है कि ये बौने पौधे जो हैं ये वाइट बैक्ड हॉपर, जो एक खुदका कहते हैं आम भाषा में, चेपा जो होता है उसके द्वारा फैलाया जाता है और एक खरपतवार पौवा एनोवा होता है, एक पौधा वीड है, ये नदीन है खरपतवार, इसको पंजाबी में घुई भी बोलते हैं, कुई कह देने कई, इसकी फ़ोटो दिखा रहे हैं हम आपको। अगर आपको ये दिखता है तो आप अपने ट्यूबवेल के आसपास, खाल में, नाल में, जहाँ जहाँ
आपके यहाँ पर खेत हैं, आप देखें कि ये खरपतवार जो है ये आप नष्ट करेंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का ये मानना है कि ये जो वायरस है फीजी वायरस के नाम से, वो जो है वो इन पोवा एनोवा खरपतवार पौधों के बीच में रहता है, और वहाँ से जब चेपा आएगा वाइट बैक्ड हॉपर उस रस को चूस के जिसमें वायरस भी साथ है, तो ये पौध की अवस्था में भी जब पौध छोटी छोटी होंगी तो 12-14 दिन के अंदर अगर वो ग्रसित पौधों से खरपतवार से लाता है वायरस को, तो आपकी पौध पर इसके संकेत आने शुरू हो जाएंगे कि नर्सरी में ही बौने पौधे हैं। तो आप हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिश के चलते ध्यान रखेंगे कि आपके आसपास जितने भी खेत हैं और गांव स्तर पे, मैं तो कहूँगा इसको एक मुहिम बनाएं और इन खरपतवार पौधों को नष्ट करें ताकि हम शुरू में ही इसका कंट्रोल कर लें। तो इस समय आप देख रहे हैं दोनों ओर जो लगी है एक ही वैरायटी है। ये जो खेत में डॉक्टर जाट जा रहे हैं, ये धान की सीधी बुआई किया गया खेत है और इसमें हमको कोई भी लगभग कोई भी बौना पौधा नहीं मिला था। और जिस खेत में दूसरी ओर है जो मेरे बाएं ओर है उसमें बौने पौधे थे, तो आप धान की सीधी बुआई की तरफ भी रुझान बढ़ाएं, सही समय आ गया है ताकि बौने पौधे जो हैं उनसे होने वाले नुकसान से आपको छुटकारा मिले। आप वीडियोस को देखते रहें, हम समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वीडियो कहाँ थी, ताकि आपको समय समय पर जो भी हम विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे, वो विशेषज्ञ IRI न्यू दिल्ली के हों, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के हों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के हों, हम आपको सलाह देंगे, आप उस पर अमल करेंगे, आप उनको प्रयोग में लाएंगे और उससे आपको जो है बौने पौधों से कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। आप वैज्ञानिक ढंग से अच्छी तरह से खेती करें, उससे आपको आर्थिक लाभ होगा। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपने देख ली और आपने कर लिया अपना खेत साफ, मगर पड़ोसियों ने नहीं किया या गांव स्तर पे नहीं हुआ, तो फिर भी बौने पौधे आने का खतरा बना रहेगा। अतः इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।